नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर वन, मैं हूं हर्षदा सावंत। भारतीय मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिएगा। 17,300 की तरफ हम बढ़े जरूर हैं आज, लेकिन 17,284 के आसपास इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ 62 अंकों की बढ़त पर। वहीं आप गौर करिएगा निफ्टी बैंक, जहां पर कल जोश देखने को मिला था, तगड़ी शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला। 35,800 के लेवल इस समय आपको दिखाई देंगे। सभी की नजरें इस बात पर है कि क्या हम 36,000 के पार निकलते हैं और एक्सपायरी तक क्या वो 200 DMA जो 36,700 पर खड़ा है निफ्टी बैंक का, वो अचीव होता है या नहीं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे करके गिरने वाले शेयरों की संख्या में भी थोड़ा सा इजाफा बनता दिखाई दिया। इधर वेज कल जो मिड कैप इंडेक्स ठंडा था, आज ये कैचअप करता हुआ 148 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। हमारे साथ हमारे तीनों जानकार हैं, जो आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए और इनके पोर्टफोलियो में क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं। कल तक के रिटर्न्स पहले स्क्रीन पर लेकर आएंगे। दिग्गजों पर पूरा भरोसा रखने वाले मनीष शर्मा आगे हैं, करीब करीब 3.36% के रिटर्न्स इनके बने। प्रशांत सावंत के 2.93% के रिटर्न्स बने, एकदम कांटे की टक्कर लगभग तय होती दिखाई दे रही है मनीष और प्रशांत के बीच में। और रूपक डे -0.58% के रिटर्न्स। ये है कल तक की स्थिति, लेकिन आज किन ट्रेड्स पर फोकस रहेगा जानकारों से पूछते हैं। ये रूपक, आप कैचअप करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं आज? देखिए, निफ्टी में दिख रहा है कि वापस एक बार 17,330 to 350 के आसपास जाके निफ्टी को रेजिस्टेंस मिला, तो निफ्टी में स्टॉक मैं अभी भी थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहूंगा। निफ्टी के बाहर का जो स्टॉक है उसमें फोकस रहेगा आज। ओके, तो निफ्टी के बाहर के ट्रेड्स आपने इनफैक्ट कल बढ़िया कॉल्स दिए भी थे, शायद उसका ज्यादा फायदा आज देखने को मिलेगा और उन पर करेंगे बात। रूपक डे का पोर्टफोलियो अब आपके सामने आएगा। रूपक ने प्रॉफिट बांधा है कुछ ही देर पहले गुजरात अल्केलीज में 912 के लेवल पर, इंडिगो में भी यानी कि इंटरग्लोब एविएशन में भी 1991 पर प्रॉफिट बुक किया। शाले होटल्स को होल्ड कर रहे हैं। बताइए नया ट्रेड आपका रूपक। मेरा नया ट्रेड रहेगा वेल कॉर्प पे। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे और 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं अभी, और जो प्रीवियस जो फॉल था उसका 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉक का व्यू जो है बुलिश रहेगा और टारगेट बनेगा इसका 180 और स्टॉप लॉस रहेगा 153। रूपक, ये क्या, किस स्टॉक का नाम लिया समझ नहीं आया? वेल्सपन कॉर्पोरेशन। ओके, वेल्सपन कॉर्पोरेशन पर दरअसल एक तेजी का ट्रेड। वेल्सपन कॉर्पोरेशन, मुझे याद है पिछले हफ्ते भी किसी ने इसका जिक्र किया था और ये एक तेजी का कैंडिडेट साबित हो रहा है। 180 का टारगेट, 153 का स्टॉप लॉस। कोई दूसरा ट्रेड है इसके साथ? नहीं, अभी आइडेंटिफाई कर नहीं पाया। कोई नहीं, तो आगे आपके लिए मौका है, दोपहर में आप दे सकते हैं, एक जगह खाली है। प्रशांत सावंत, स्वान एनर्जी के बदले में नया कुछ देना पड़ेगा आपको? जी हर्षा जी, एक्चुअली जहां तक मैंने जस्ट देखा था तो इट वाज अ पार्ट ऑफ 500, तो मैं जस्ट कंफर्म करता हूं और मैं दोपहर के इसमें ऐड कर लूंगा। ओके, दोपहर के इसमें, दोपहर के सत्र में आप दूसरा ट्रेड ऐड कीजिएगा। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के साथ आप गए हैं, 625 का टारगेट, 490 का स्टॉप लॉस है। ये है फिलहाल अब तक का माहौल। तो एक जगह खाली रूपक के लिए और प्रशांत सावंत भी एक नया ट्रेड लेकर आएंगे। चलिए काम करते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक फटाफट इस इन लेवल्स पर मार्केट की जो स्थिति है, और 17,286 के आसपास निफ्टी कंफर्टेबल, 100.2 पर निफ्टी बैंक आपके लिए। अब चलिए वापस लौटते खिलाड़ी नंबर वन में। हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए उसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में आ रहा है वो अब आपके सामने पेश करते हैं। मनीष शर्मा ने दो ट्रेड्स नए जोड़े हैं मिड कैप साइड पर, दरअसल इन्होंने सौदे लिए। एक है पीआई इंडस्ट्रीज, 3200 का टारगेट, 2700 का स्टॉप लॉस। सुवेन फार्मा, 750 का टारगेट और 590 का स्टॉप लॉस। देखिए क्या रिटर्न्स बन रहे हैं। पीआई में 0.06% की कमाई, सुवेन में कुछ अपडेट यहां पर नहीं आ रहा है, लेकिन सुवेन में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में जरूर बनी है। प्रशांत सावंत ने ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के साथ सौदा अपना पहला खोला, 625 का टारगेट, 490 का स्टॉप लॉस। एक और ट्रेड दिया था लेकिन वो क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे बदलेंगे। ब्रिगेड आधे परसेंट के रिटर्न्स इनको देता हुआ। रूपक डे के पोर्टफोलियो पर आइएगा। शाले होटल्स अभी भी ओपन है ट्रेड, वो कैरी किया 368 का टारगेट, 298 स्टॉप लॉस। और वेल्सपन कॉप 183 के लिए जोड़ा है और स्टॉप लॉस इनका 150 के आसपास है, 153 के आसपास है। हालांकि आज शाले में करेक्शन है, 3% नीचे आ गया। वेल्सपन 0.28% तक का योगदान देता हुआ। अब ओवरऑल रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, कहां पर पहुंची है गाड़ी आज। तो प्रशांत सावंत थोड़े से आगे बढ़ गए हैं,
3.9% के रिटर्न्स इनके, 3.84% के रिटर्न्स है मनीष शर्मा के, जैसे मैंने कहा था कांटे की टक्कर है यहाँ। और रूपक डे पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए 1.43% के रिटर्न्स इनके, जो इन्होंने प्रॉफिट बुक किया उसका फायदा मिला गुजरात एल्कलीज और इंटरग्लोब एविएशन में। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। ऑफ कोर्स दोपहर में दो और ट्रेड्स आएंगे रूपक और प्रशांत की ओर से। इसी के साथ लेंगे आप सभी से इजाजत। 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त पर निफ्टी बैंक को छोड़ जाएंगे और निफ्टी भी 17,288 के आसपास, 17,300 के हल्के से नीचे है लेकिन तेजी में है। आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। नमस्कार।